दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत बीमाणी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं अपने काम को सच्ची लगन के साथ करता हूं। कोई भी काम थोड़ा सा भी अधूरा हो तो वो अधूरा ही कहलाता है, और ऐसी कोई गलती के लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता, तो इन सबको कैसे करूँ? आप ही बताइए डॉक्टर साहब कि परफेक्ट होना कोई गलत बात है? दोस्तों, नीरेन 32 साल का था और इतनी छोटी उम्र में अपने अचीवमेंट्स की बदौलत वो सीईओ की पोस्ट तक पहुंच गया था। उसकी पत्नी जानवी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी और दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चल रही थी। मगर दोनों के बीच में प्रॉब्लम तभी होती जब नीरेन की ऑफिस में कोई गड़बड़ी हुई हो। जानवी की एक शिकायत हमेशा रहती थी कि नीरेन ऑफिस का स्ट्रेस घर पर लाता था। 2 साल की बेटी के साथ भी नीरेन का बिहेवियर एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है। कोई भी काम नीरेन के हिसाब से 100% परफेक्शन के साथ पूरा होना चाहिए, वरना वो उधम मचा देता था। नीरेन की ये मानसिक समस्या अब दोनों की शादीशुदा जिंदगी पर असर करने लगी थी और दोनों मेरे क्लिनिक में कंसल्टेशन के लिए आए थे। डॉक्टर साहब, हम दोनों वैसे तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से कंपैटिबल हैं। हम दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे को समझने के लिए अच्छा खासा समय साथ बिताया था। नीरेन का परफेक्शनिज्म वाला नेचर मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। शायद वही नीरेन की पर्सनैलिटी का प्लस पॉइंट था। वैसे मैं इजी गोइंग हूँ और मुझे ये भी लगा था कि नीरेन के परफेक्शनिज्म के चलते मेरी लाइफ की गाड़ी भी पटरी पर आती जाएगी, मगर अब तो ऐसा लगता है कि नीरेन की ही गाड़ी पटरी से उतरती जा रही है। वो मानसिक समस्या की ओर बढ़ रहा है। आजकल वो बहुत एग्रेसिव और डिस्टर्ब रहने लगा है। बिजनेस का टारगेट पूरा ना कर पाए तो उसके स्टाफ पर बहुत गुस्सा करता है। 99% सक्सेस उसे कबूल नहीं है, उस पर 1% की कमी को वो 100% फेलियर मानता है। अगर उसके काम में जरा सी भी कमी रह गई तो मानो दुनिया इधर की उधर हो गई। हर चीज और हर काम उसे 100% परफेक्ट ही चाहिए। पता नहीं ये पागलपन वाला परफेक्शन कहाँ जाकर रुकेगा। दोस्तों, प्रिंसिपली ये बात एकदम अच्छी लगती है कि कोई अपना काम 100% परफेक्शन के साथ कर रहा है। वैसे तो परफेक्शनिज्म हमेशा इंसान को अपने गोल तक ले जा सकता है, लेकिन साइकोलॉजी के अनेक रिसर्च ये भी बताते हैं कि जरूरत से ज्यादा परफेक्शनिज्म की चाह इंसान को अपने गोल से भटका भी देती है। ऐसा परफेक्शनिज्म आमतौर पर 3 तरह का देखने मिलता है। पहला प्रकार ऐसा है कि जिसमें व्यक्ति ऐसा मानता है कि कोई भी काम 100% परफेक्शन के साथ ही होना चाहिए, वरना वो पूरा काम ही फेल्योर है। दूसरा प्रकार ये है कि जिसमें अगर कोई काम परफेक्शन से पूरा ना हो तो वो व्यक्ति गिल्ट फील करने लगता है और डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। और तीसरा प्रकार ये है कि जिसमें व्यक्ति अप्रिसिएशन का भूखा रहता है। उसे अपने हर परफेक्ट काम के पीछे सिर्फ लोगों की वाहवाही की अपेक्षा होती है। इन तीनों प्रकारों में ये बात स्पष्ट है कि ऐसे लोगों में कोई काम परफेक्शन से पूरा करने की हेल्दी इच्छा की बजाय एबनॉर्मल जिद होती है, जिसके चलते व्यक्ति अपने आप को और आसपास के सभी को बहुत ही स्ट्रेस पहुंचाता है और उसके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस बिगड़ते जाते हैं और धीरे धीरे वो अकेला पड़ता जाता है। दोस्तों, कई बार हमें परफेक्शनिज्म की जिद साइकोलॉजिकल विरासत में मिलती है। कभी कभी बचपन की छोटी गलतियों के लिए बड़ी पनिशमेंट पाने वाले बच्चों में ये सारी जिद की आदतें अनकॉन्शियस माइंड में दबती जाती है और बढ़ती उम्र के साथ इस प्रकार का एबनॉर्मल बिहेवियर सामने आता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए व्यक्ति में कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। अगर हम ज्यादा ऑप्शंस के साथ समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। सिर्फ एक ही तरह से या ऐसे ही काम हो सकता है, इस प्रकार के जड़ विचारों के बदले दूसरे रास्तों और अन्य लोगों के ओपिनियन का खुले मन से स्वीकार करने से समस्या को जल्दी सुलझाया जा सकता है। अपने ओपिनियन और मानसिकता में जरूरत के हिसाब से बदलाव लाने वाली व्यक्ति नई सिचुएशंस में आसानी से एडजस्ट हो सकती है। दोस्तों, कोई भी इंसान या उसका काम शायद ही 100% परफेक्ट होता है। सिर्फ प्रयास 100% ऑनेस्ट होने चाहिए। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमाणी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भीमाणी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। So be happy and keep smiling.